हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। तो हम हर बार की तरह एक बार भी एक एग्जांपल से शुरू करेंगे। लेट्स से हमारा एग्जांपल है 5, 5, 8, 9। अब इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें करना क्या है कि चलिए इसको 11 से मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ पे एक लाइन खींच देना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो तो लास्ट डिजिट है उसको हूबहू नीचे लिख देना है। अब करना है सेकेंडरी कि ये लास्ट डिजिट से शुरू करना है और उससे एक पहले वाला डिजिट को जोड़ देना है, और जितना है उसका वंस प्लेस लिख देना है और टेंस प्लेस को कैरी रख देना है। जैसे कि 9 + 2 = 11, तो 1 यहाँ लिख दिए, 1 हाथ में। अब जैसे 2 से हो गया तो 9 पे गए, फिर 9 + 8 = 17, तो 1 = 18, 1 हाथ में। फिर 8 + 5 हमारा 13, तो 1 था तो 4 यहाँ। अब हाथ में क्या बचा हमारा, 1। अब 5 है क्योंकि ये लास्ट है, तो इसको भी एक पहले जाना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0, तो 0 + 5 = 5, 5 + 1 कैरी था तो 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हम एक नंबर लिखे 4359, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा बताइए, कि 9 को जो लास्ट डिजिट है उसको हूबहू लिख देना, और यहाँ पे एक 0 भी लिख देना है क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट में थे अभी। उसके बाद इसको इससे जोड़ देना है, तो हो गया 14, तो यहाँ पे 4 बना हाथ में, फिर इसको इससे जोड़ देना है, तो हो गया कितना, 3 + 5 = 8, 8 + 1 = 9, फिर इसको इससे जोड़ देना है तो हो गया 7, और कैरी कुछ नहीं किया तो डायरेक्ट 7, फिर इसको इससे जोड़ देना है तो हो गया 4। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।